हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि हिंदुस्तान में जैसा भी कैंपस हो, 10, 12 ITR डिप्लोमा, BTech 9, 10, जैसा भी जिस लेवल पे होगा वो मैं वैकेंसी जल्द से जल्द लाने की कोशिश करता हूँ। आज जो अभी मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं कैंपस में हमेशा अपडेट रहता हूँ, तो आप भी मेरे साथ रह के अपडेट हो जाइएगा। तो चलिए ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। कंपनी का नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं, सेलेक्स कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। और इसमें आपका रोल रहेगा, जॉब रोल रहेगा टेक्नीशियन, ठीक है। जो टेक्नीशियन है उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। और ये जो कंपनी है, ये पूरे वीडियो देखने के बाद अगर आप सर्टिफाई होते हैं तो इस कंपनी को भी आप गूगल में भी सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करते हैं, देखते हैं इसमें फैसिलिटी क्या है और क्या सैलरी है क्या नहीं है, देखते हैं, ठीक है। दोस्तों, इसमें अगर क्वालिफिकेशन की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक आपका डिप्लोमा है, दूसरा होल्डर ITI है। तो जो डिप्लोमा और ITI होल्डर है उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। और डिप्लोमा में आपका इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है, और ITI में आपका दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, ठीक है। और डिप्लोमा में आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसको आप लोग देख लीजिए, जिनके पास है उनके लिए इस कंपनी में मौका है काम करने के लिए। और चलिए ज़्यादा नहीं देख लॉन्ग वीडियो नहीं करते हैं, वैकेंसी की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों तो इसमें 30 ही वैकेंसी है, ज़्यादा नहीं है, 30 है, ठीक है। और इसमें और एक्सपीरियंस फ्रेशर चलेगा, इसमें जिन जो अभी फ्रेशर है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एक्सपीरियंस प्लस फ्रेशर, आप इसमें जो फ्रेशर है वो अप्लाई कर सकते हैं। और लोकेशन की मैं बात करूं दोस्तों तो लोकेशन यहाँ 4 जगह आपको दिया गया है, ठीक है। महापे, नेवी मुंबई, ठीक है, मेवी मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया, 5 बोल दिया दोस्तों, ठीक है। आपका महापे, नेवी मुंबई और महाराष्ट्र, ठीक है, ये 3 जगह आपको दिया गया है। 3 जगह में जो लोकेशन होगा उनको जो हिसाब से उसमें आपको देंगे, तो जो इन 3 लोकेशन के आसपास है या इन लोकेशन में जाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। और सैलरी की मैं बात करता हूं दोस्तों तो सैलरी भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। डिप्लोमा वालों के लिए आपका यहाँ देख रहे 11,417 रुपया नेट टेक होम आपको मिलेगा, ठीक है। और ITI के लिए सेम आपका 10,340 है, ठीक है। डिप्लोमा वाले लोग के लिए 11,417 और ITI वाले लोग के लिए 10,340 है दोस्तों। और इसमें क्या है, यहाँ जॉब रोल आपको दिखाया जा रहा है, सोल्डिंग, असेंबलिंग, टेस्टिंग, QC, फाइनल टेस्टिंग। तो ये डिपार्टमेंट आप लोग को जब आप सिलेक्शन हो जाएंगे तो ये सब डिपार्टमेंट आपको जॉब रहेगा, ठीक है। और इंटरव्यू प्रोसेस क्या रहेगा दोस्तों, तो इंटरव्यू पूरा ये जो लॉकडाउन जो चल रहा है उस हिसाब से सारा कैंपस का सिस्टम चेंज हो गया, अभी सब सिस्टम का चेंज हो गया। आपका टेक्निकल टेस्ट हो या HR राउंड टेलीफोनिक टेस्ट होगा, ठीक है, टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा। और आप टेक्निकल राउंड होगा, आपको स्काइपी के ज़रिए या जूम के ज़रिए आपको वीडियो कॉलिंग में टेक्निकल राउंड आपका होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए, टेलीफोन के ज़रिए आपका इंटरव्यू होगा 4 राउंड, और आपका स्काइपी या जूम के ज़रिए आपका इंटरव्यू होगा, जो भी टेक्निकल टेस्ट होगा, जो भी होगा टेक्निकल होगा। और आपको अगर इस कंपनी में काम करना है तो यहाँ पर HR3@SELEC.com पे ये ईमेल आईडी पे आप मेल आपको कर देना अपना CV बायोडाटा, ठीक है। तो फिर आपका जब इस मेल पे आप CV सेंड कीजिएगा, बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं कि सर मैंने मेल कर दिया वहाँ से कुछ रिस्पॉन्ड नहीं आया। तो दोस्तों अभी लॉकडाउन चल रहा है, जैसे जैसे कंपनी का प्रोसेस होगा वैसे वैसे आप लोगों को कॉल करेंगे। और दूसरी बात है कि जिनका सिलेक्शन होता है CV के हिसाब से उन्हीं को कॉल जाता है दोस्तों, तो जहाँ तक हो सके आप लोग अपना CV भेज दीजिए, ठीक है। और ये ईमेल आईडी मैं वीडियो के नीचे भी मेंशन कर दूंगा, ठीक है। और अगर किन्हीं को ईमेल आईडी में दिक्कत होता है वो कमेंट करे, मैं फिर से कॉपी करके उनको पर्सनली मैसेज कर दूंगा। और आप वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट खींच कर जैसे भी आपको आराम मिलता है आप इस ईमेल आईडी को लिख सकते हैं, वरना मैं वीडियो के नीचे दे दूँगा, वहाँ से आराम से आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा लॉन्ग वीडियो करते हुए नहीं, अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए, मैं इसी तरह कैंपस लाता रहूँगा। और अपने दोस्त फ्रेंड 10, 12 ITI डिप्लोमा जहाँ तक हो उन तक मेरे चैनल को शेयर कीजिए, और अपना प्यार दोस्तों इसी तरह बनाए रखिए। तो चलिए अगले फिर वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।